हैं सुनीता मैम, जो कि इंडियन कैंसर सोसाइटी की एक बहुत अहम मेंबर हैं, और आपकी मैम डेजिग्नेशन क्या है वहाँ पे? वॉलंटियर। वॉलेंटियर हैं मैम। इज़ ए ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर एंड शी इज़ वेरी वेरी एंटरप्राइजिंग लेडी। हमने मैम से रिक्वेस्ट किया कि मैम एक सेट ऑफ एक्सरसाइजेज जो कि ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को करनी चाहिए रिहैबिलिटेशन के लिए, उसका वीडियो बनाने की परमिशन ली, और उन्होंने हमें परमिशन दी। हमारे साथ मिस्टर सिंह हैं, जो कि मैम के ब्रदर हैं, जो कि वीडियोग्राफी करने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो मैं मैम की वीडियोग्राफी करने से पहले, इस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं चींटी चढ़ी एक्सरसाइज। दोस्तों, बचपन में हम चींटी चढ़ी खेलते थे। अब थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से हम चींटी चढ़ी एक्सरसाइज करेंगे। हमने उंगलियों को चींटी की तरह चढ़ाना है दीवार के ऊपर, और ऊपर जा करके दीवार जितना आप ऊपर चढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका पूरा हाथ ऊपर चढ़े, मगर जितना चढ़ा सकते हैं चढ़ा करके वहां पर धप कर देंगे। धप करके हम 10 बार अपने इष्ट देवता का नाम लेंगे, जिसमें आपके महादेव भी हो सकते हैं, अल्लाह हो अकबर भी हो सकते हैं, होली जीसस भी हो सकते हैं। उसके बाद 10 बारी नाम लेकर के, जैसे मैं यहाँ पर हर हर महादेव बोल रहा हूँ, या मैम जो भी ले रही हो उनका 10 बारी नाम लेंगे, याद करेंगे, और उस हाथ को फ्लैट रखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जब हम लोग 10 बारी नाम ले लेंगे, तो उपला पोतते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। दोस्तों, स्मरण रहे इस बात का कि आपकी दीवार बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, कोई कील या कोई चोट या कोई गैप दीवार में नहीं होना चाहिए, नहीं तो हाथ में इंजरी हो सकती है। दोस्तों, ये कितनी बार रिपीट करना है ये आपकी अपनी स्वेच्छा और अपनी कन्वीनियंस के ऊपर है। इसके बाद हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम जो हमारा इंजर्ड साइड का हैंड है, जहां पर लिम्फ एडिमा आ सकता है, उसको हम सीधा लेकर के जाएंगे और दूसरे हाथ से सपोर्ट करेंगे। यहां पर जैसे मैडम का राइट साइड है, हमने राइट साइड को फिस्ट बनानी है और अंगूठा बाहर की तरफ रखना है। इसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट और फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। हम कोशिश करेंगे कि हमारा दूसरा हाथ हमारे पहले हाथ को, इंजर्ड साइड के हैंड को सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, हम लोग इसको अपनी स्वेच्छा के हिसाब से जितनी बार रिपीट करना है रिपीट कर लेंगे। ये सब आप टीवी देखते देखते भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे तीसरी एक्सरसाइज पे, जिसको हम बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम अपने हाथ को ऊपर लेकर के जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा हाथ हमारे बॉडी लेवल के हिसाब से रहे, और हम कहेंगे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये हम लोग जनरली पूजा के वक्त भी बोलते हैं, और भगवान को हमेशा स्मरण करते हुए, याद करते हुए हम यही बोलते हैं कि भैया तेरा ही सब कुछ है। जितनी बार भी कर सकते हैं, उसके बाद करने के बाद हम लोग शोल्डर्स पे जाएंगे, अपना हाथ उसी पोजीशन में रखेंगे और शोल्डर को मूवमेंट कर देने की कोशिश करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे मैडम। अब हमें बेबी स्टेप्स चलने हैं, हमें ज्यादा तेज नहीं करना है कोई भी चीज, और ये हम आराम से बैठे हुए भी कर सकते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करने के बाद हम एक एक्सरसाइज और करेंगे। बचपन में हमने दूसरों के कान बहुत पकड़े हैं, अब हम अपने सर को हिलाए बगैर अपने कान को टच करने की कोशिश करेंगे। हाँ, आप आराम से आ जाइए उस तरफ, देखिए ना, हम अपने कान को टच करने की कोशिश करेंगे गर्दन को सीधे रखते हुए। बहुत बढ़िया। उसके बाद जब हम वापस लेकर के जाएंगे इस हाथ को, फिर हम दूसरे हाथ से कान को पकड़ने की कोशिश करेंगे, जो कि नॉन इंजर्ड हैंड है। फिर हम वापस लेकर के जाएंगे इस हाथ को, फिर हम एक छोटा सा करेंगे एक्सरसाइज, जिसमें हम ये लेकर के जाएंगे और ऊपर 3 बारी तालियां बजाएंगे, वापस लेकर के आएंगे सर के ऊपर, फिर ऊपर लेकर के जाएंगे और फिर सीधा लेकर के आएंगे। दोस्तों, इससे ताली बजाने से हमारे खून का प्रवाह बढ़ जाएगा,
और हमारे को कन्वीनियंस भी मिलेगी। बहुत बढ़िया। अब एक हमारे घर में जनरली रस्सी, बच्चे रस्सी कूदते हैं, उनकी रस्सी वगैरह पड़ी रहती है, इस तरह से मैं उसको करना चाहूंगा।